अस्सलाम वालेकुम। आज हम हरी धनिया और पुदीने की चटनी बनाने जा रहे हैं। देखें, एक गड्ढी हरी धनिया लिए हैं और इसे छोटे छोटे इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक काट लिए, और एक गड्ढी हरी धनिया, एक गड्ढी है पुदीना, और 3-4 जबे लहसुन के, और 3-4 हरी मिर्चें, और एक नींबू, और 1 चम्मच नमक। अब इसे ग्लेंडर में डालेंगे और ग्लेंड कर लेंगे। हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और लहसुन 3-4 जबे, और एक नींबू का रस, 1 चम्मच नमक। ये सब डालकर और आधा गिलास पानी डाल दें। अब इसे ग्लेंडर कर लेंगे। एकदम महीन करके ग्लेंडर कर लेंगे, बारीक बिल्कुल। हरी धनिया की चटनी बहुत मज़े की होती है, आप खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत पसंद है। देखिए, ग्लेंडर हो गया है। अब इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। आप चाहें तो पूरा एक भी डाल सकती हैं। अगर खट्टा पसंद है ज़्यादा तो पूरा एक नींबू डाल दें, लेकिन हम आधा डालेंगे, आधा नींबू का रस। और इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये देखें, हरी धनिया की चटनी तैयार है, और आप इसे खाएं, चपाती में खाएं, समोसे के साथ खाएं, दाल चावल में खाएं, बहुत मज़े की है। और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें।